दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि WhatsApp के अंदर स्टिकर फीचर्स को कैसे चालू करना है और नए नए स्टिकर्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे WhatsApp के अंदर ये स्टिकर फीचर्स कहाँ पर दिखाई पड़ता है और यह कैसा दिखता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपना WhatsApp ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद ये देखिए दोस्तों मुझे काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने स्टिकर्स भेजे हैं, तो स्टिकर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों इस फीचर्स को कैसे देखना है, कहाँ पर दिखता है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको इमोजी में जाना होगा। इमोजी में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर GIF वीडियो लिखा हुआ है, इसके पास में ही फीचर्स शो होता है। जैसा कि अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यह मेरे फ़ोन में ऑन नहीं है, इसलिए यह दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों इसको कैसे ओपन करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में जाकर दोस्तों वहाँ पर आपको एंड्रॉयड व्हाट्सएप टाइप करना होगा, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया है। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, तो टाइप करने के बाद आप एंटर मारेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होके दिखाई देगा। इस पेज में जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड्रॉयड व्हाट्सएप वाला, आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में एक मैसेज दिखाई पड़ेगा, इस मैसेज को आपको ओके करना है। ये फ़ोन की इंटरनल सेटिंग है, इसे आप ओके कर देंगे तो यह व्हाट्सएप का जो APK ऐप है यह डाउनलोड पर चला जाता है। दोस्तों ये अगर डाउनलोड हो जाता है तो डाउनलोड होने के बाद आप इसे इंस्टॉल्ड और ओपन कीजिए, जैसा कि मैंने एरो में दिखाया है। ओपन करने पर आप व्हाट्सएप के न्यू फीचर्स में चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों इस ऐप में कहां पर स्टिकर फीचर्स दिखाई देता है यह मैं आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों मैं आपस सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ और इसके इमोजी वाले ऑप्शन में जाकर चेक करता हूँ कि वहाँ पर फीचर्स अपलोड हुआ है या नहीं। देखिए दोस्तों मैंने ओपन किया है, यहाँ पर मुझे एरो के निशान के यहाँ पर एक नया फीचर दिखाई दे रहा है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने पर यह यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कप का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, कप के जो स्टिकर दिखाई दे रहे हैं, यही वो स्टिकर हैं जिन्हें हमें डाउनलोड करना था, ऑन करना था। अब दोस्तों इसके अलावा यदि आपको बहुत सारे स्टिकर्स चाहिए तो उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे स्टिकर्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी स्टिकर चाहिए उन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसा कि दोस्तों मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ये देखिए मैंने एरो का निशान क्या बताया, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मैं वापस अपने WhatsApp के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि फीचर सब WhatsApp में दिखाई दे रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों ये सारे स्टिकर्स यहाँ पर मेरे WhatsApp में गोल निशान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर WhatsApp में स्टिकर फीचर्स को ऑन कर सकते हैं और ऑन करने के बाद अपने सभी मित्रों को स्टिकर्स आसानी से भेज सकते हैं। दोस्तों यह बहुत ही आसान टिप्स है, यदि आपको यह टिप्स अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों मेरे इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप टाइम पर देख सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।